नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रवर्तन निदेशालय ने वर्षा राउत को किया तलब, अदालत में छलका संजय राउत का दर। पालघर में छापा, 1,400 करोड़ रुपए की 702 किलो नशीली दवा मेफ्रेडोन जब्त। और नागपुर जिले में बढ़ा स्वाइन फ्लू का संक्रमण, जुलाई के अंत तक 28 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौथ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तलब किया है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक वर्षा राउत के खाते में लेन देन की जानकारी सामने आने के बाद छानबीन को लेकर केंद्रीय एजेंसी की ओर से यह समन जारी हुआ। उधर अदालत में पेश किए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत का दर छलकाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि हिरासत के दौरान केंद्रीय एजेंसी ईडी ने उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा जिसमें कोई खिड़की और वेंटिलेशन नहीं था। राउत ने PMLA से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष अदालत के न्यायाधीश MG देशपांडे के सामने ये बात कही। हालांकि अदालत ने संजय राउत की ईडी हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। मालूम हो कि ईडी ने गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में धांधली और कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में रविवार आधी रात को शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया था। दूसरे दिन सोमवार को ईडी ने संजय राउत को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। इसके बाद अदालत ने संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। रिमांड खत्म होने पर एजेंसी ने गुरुवार को संजय राउत की विशेष अदालत में एक बार फिर पेशी हुई, जिसके बाद उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उनके घरों में LPG गैस कनेक्शन की सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए निकट भविष्य में विभिन्न स्थानों पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ये मंच पंचायत हाल ही में महाराष्ट्र से शुरू की गई है। इस अवसर पर उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा विशेष मार्गदर्शन दिया गया है। इस संबंध में पेसो की ओर से विशेष पहल की जा रही है। पी कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की बेहद गरीब और चूल्हे पर खाना पकाने वाली महिलाओं को धुएं से मुक्त करना और उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। इस पहल के तहत देश भर में करोड़ों गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। LPG कनेक्शन को संभालते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा दुर्घटना का खतरा है। इस खतरे को भांपते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सोम प्रकाश ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के अधीन पी कुमार ने हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत आने वाले समय में देश भर में विभिन्न स्थानों पर महापंचायत स्थापित की जाएंगी और इसके लिए पेसो संस्था पहल कर रही है। इसके तहत विशेषज्ञ टीम LPG कनेक्शन संभालने में महिलाओं का मार्गदर्शन करेगी। इस पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित महापंचायत में 250 गृहिणियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा इस अवसर पर महिलाओं के लिए प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई। प्रश्नोत्तरी जीतने वाली महिलाओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। शिवसेना के दो गुटों के बीच सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई अब सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP नेता सुधीर मुनगंटीवार ने उम्मीद जताई कि जिस नेता के होठों, पेट और हड्डियों में हिंदुत्व है उसे न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट को तर्क के आधार पर फैसला करना चाहिए। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहिए और एक बार इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे प्रत्येक व्यक्ती आपल्या नैतिक विजयाच्या दृष्टीने पाहत असतो आणि हेही खरं आहे की आता काही संदर्भांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने या संदर्भामध्ये तर्काच्या आधारावर 21व्या शतकामध्ये असणाऱ्या राजकीय परिस्थितीच्या आधारावर आता निर्णय करण्याची आवश्यकता आहे। काही लोक राजकीय पक्ष म्हणजे आपल्या परिवाराच्या मालकीचा आहे असं समजतात। घराणेशाही, परिवारवाद
हा त्यांच्या प्रत्येक कृतीमध्ये आपल्याला दिसतो की महाराष्ट्राच्या 13.5 कोटी लोकांमध्ये किंवा त्यांच्या पक्षाच्या लाखो कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य एवढा कोणीही पात्रच नाही ही भावना या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये जेव्हा काही राजकीय पक्षामध्ये आपण बघतो तेव्हा या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. आवश्यकता असेल तर सुप्रीम कोर्टाने काही सजेशनसुद्धा संसदेला देता येतील किंवा देण्याची आवश्यकता आहे की एका कुटुंबातील किती सदस्यांनी लोकप्रतिनिधी व्हायचं, हा काय कौटुंबिक वारसा आहे का. शेवटी कोणताही राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगामध्ये त्याची नोंदणी होते तेव्हा त्या राजकीय पक्षाला शपथपत्र द्यावं लागतं की मी माझा पक्ष पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या माध्यमातून चालू आहे. आता ज्या पक्षाला नैतिक विजय वाटतो आहे त्या पक्षामध्ये जर असंख्य कार्यकर्त्यांना पक्ष नेतृत्व बदलावं असं वाटत असेल, पक्षाचं नेतृत्व दुसऱ्या एखाद्या कार्यक्षम व्यक्तीने करावं असं वाटत असेल जो त्या पक्षाचा वैचारिक वारसा पुढे नेतो आहे, ज्या पक्षाचा विचार हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विचाराच्या विरोधी राहिला, सत्तेसाठी खुर्चीसाठी ओठात हिंदुत्व आणि पोटात खुर्ची असं जर भावना कार्यकर्त्यांना वाटत असेल की अशा नेतृत्वाच्या ऐवजी ओठातही हिंदुत्व पोटातही हिंदुत्व रक्ताच्या कणाकणात हिंदुत्व या भावनेनी नेतृत्व केलं पाहिजे तर सुप्रीम कोर्टाला आता या संदर्भामध्ये अभ्यास करून जितके दिवस लागतील तेवढे दिवस घेऊन आता ही आवश्यकता आहे. कारण आपण काँग्रेसमध्ये बघितलं, काँग्रेस काय परिवाराचा पक्ष आहे का. आपण G23 ज्या नेत्यांनी आयुष्यच्या आयुष्य काँग्रेस पक्षासाठी दिलं होतं त्या नेत्यांनी सुद्धा सांगितलं की काँग्रेसमध्ये बदल घडवले पाहिजे पण कोणी त्यांना ऐकायला तयार नाही. शेवटी त्यापैकी काही नेत्यांनी स्वतःच बदल करून भारतीय जनता पार्टीमध्ये आले. शेवटी देशहिताचा राष्ट्रहिताचा हा झेंडा जेव्हा वैचारिक आपण हाती घेतो तेव्हा या वैचारिक झेंड्याच्या मागे घराणेशाही असेल, वंशवाद असेल, परिवारवाद असेल, प्रथम मी मग माझं कुटुंब मग माझा मित्र परिवार ही जर भावना असेल तर त्याचं चिंतन करण्याची आवश्यकता ही सुप्रीम कोर्टाला निश्चित आहे आणि ती केली पाहिजे. मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल को गुजरात की सीमा से लगे पालघर जिले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. एएनसी ने बुधवार रात नाला सोपारा के चक्रधर नगर क्षेत्र में सीताराम बिल्डिंग से एक व्यक्ति को 702 किलोग्राम मेफ्रेडोन के साथ पकड़ा और दो पेडलर को गिरफ्तार किया. जब्त ड्रग्स की कीमत 1,403.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है. ड्रग्स की बरामदगी दो अन्य ड्रग पेडलर्स और एक महिला से पूछताछ के बाद संभव हुई है. एएनसी ने 29 मार्च को उत्तर पूर्वी मुंबई के गोवंडी से पकड़ा था. गिरफ्तार तीनों में से एक को 37.5 लाख की 250 ग्राम मेफ्रेडोन और दूसरे को 4.14 करोड़ रुपए कीमत की 2.70 किलोग्राम मेफ्रेडोन के साथ पकड़ा गया है. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.
स्वागत है। बाजारगांव में विनोद बजन घाटे के घर पर बिजली गिरने से घर का एक हिस्सा पूरी तरह से टूटकर नष्ट हो गया है। वहीं घर में बिजली की आपूर्ति भी कट दी गई है। दूसरी तरफ बाजारगांव के पास सात तवरी के उज्ज्वला सुरेश थुतुरकर की बिजली गिरने से मौत हो गई है, जब वो अपने ही खेत में सुबह करीब 4 बजे भिंडी काट रही थी। 3 अगस्त महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बुधवार को एक वैन के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में मारे गए लोग अकोला जिले के अकोट के रहने वाले थे। वे साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचकर धरनी तालुका के ससुरदा गांव से पिकअप वैन से लौट रहे थे। पुलिस ने कहा कि मेलघाट क्षेत्र के रानी गांव के निकट शाम लगभग 7 बजे वाहन खाई में गिर गया। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना में 9 अन्य घायल हो गए और उन्हें अकोला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागपुर जिले में पिछले 5 दिनों में स्वाइन फ्लू के कम से कम 21 मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 30 जून तक ऐसे मामलों की संख्या सिर्फ 6 थी। नागपुर नगर निगम के अधिकारी ने बताया, जुलाई के दूसरे सप्ताह से H1N1 फ्लू के लक्षणों वाले मरीजों का आना शुरू हुआ। जुलाई के दूसरे सप्ताह से महीने के अंत तक 28 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि इसमें से कुल 21 मामले पिछले 3 दिन यानी 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सामने आए हैं। अधिकारी ने बताया कि NMC स्वास्थ्य विभाग के कर्मी ऐसे रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए घरों या अस्पतालों का दौरा करते हैं। उन्होंने कहा कि टीमें इन मरीजों के करीबी संपर्कों का पता लगाती है। उन्होंने कहा, यदि किसी निकट संपर्क वाले व्यक्ति के नमूने में लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी जाँच की जाती है और दवाई निर्धारित की जाती है। रविकांत रागेट प्रशासनिक कॉलेज रामटेक और दमयंती ताई देशमुख BEd और DED हाल ही में दिशा हॉल में कॉलेज रामटेक के सहयोग से पालक सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्राचार्य रविकांत रागेट ने की, जबकि प्राचार्य जयश्री देशमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थी। प्रोफेसर चेतना उके ने पेरेंट मीटिंग का परिचय दिया। इसलिए नाइक ने आगामी शैक्षणिक वर्ष और पिछले शैक्षणिक वर्ष में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने के विषय पर माता पिता के साथ बातचीत की। महाविद्यालय की नई पहल की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य रविकांत रागित छात्रों के गुप्त गुणों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के अभिभावकों ने भाग लिया। प्रतियोगी परीक्षा का संचालन प्रोफेसर निकिता अंबाड़े ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉली ने किया। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर नेवारे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी सभा में किरण शेंद्रे, मयूरी टेंबुरने, कला मेश्राम, अतुल बुरटकर, गंगा मोंढे, शालू वानखेड़े और सुरेश कारेमोरे, गीता समर्थ, राजेंद्र मोहनकर और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।